CB2 पेपर का नेम इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है. तो पहले CT7 था, CT7 वाज आल्सो बिजनेस इकोनॉमिक्स. तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ. आई गेव CT7 इन अप्रैल 2018 फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम IAI. एंड मेरे टर्म में पास रिजल्ट वॉज अराउंड 58.3%, लाइक अराउंड 317 पीपल अपियर, 317 पीपल अपियर, उसमें से अराउंड आई गेस 217 पीपल लोग का हो गया था. तो पासिंग रिजल्ट फ्रॉम इंडिया एंड बोथ फ्रॉम UK दोनों का बहुत अच्छा है ऑफ CT7 या फिर अभी जो हो गया CB2, ठीक है. तो मेरे टाइम पे जैसे तुम लोग अगर पता होगा मेरा उस समय IR1 आया था, एकदम एक्सपेक्टेशन मतलब एकदम था नहीं मुझे कि आएगा. बट क्या है, सबका नोशन क्या रहता है कि CT7 इज़ अ वेरी इजी पेपर. अभी चेंज होगी CB2 है तो थोड़ा डिस्कस करते हैं दोनों के बारे में. तो सबका पहले क्या नोशन होता था कि अभी भी है इनफैक्ट दैट CT7 इज़ अ वेरी इजी पेपर. नो डाउट बाकी सब पेपर से ईजी है कंपेरेटिवली ऑब्वियसली, बट ईजी सोच के लोग क्या करते हैं फिर पढ़ते नहीं है. एंड पढ़ते नहीं है तो ऐसे भी बहुत जन है जिनका क्लियर ही नहीं होता फिर पेपर, बिकॉज दे स्टडी फॉर लास्ट 10 डेज 15 डेज, तो उससे ऑब्वियसली उतना होता नहीं है, ठीक है. तो मेरे टर्म में क्या हुआ था, आई वॉज गिविंग टू पेपर्स. आई वॉज गिविंग CT5 एंड CT7. CT5 आई वॉज गिविंग फ्रॉम UK एंड CT7 फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट. तो मेरा एकदम लास्ट टाइम पे मैंने एकदम लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि मुझे देना है CT7. देन फिर आई वॉज लाइक कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, सिर्फ मटीरियल है. सो प्रवीण सर टोल्ड मी कि ऐसे ऐसे मतलब रीड ऑल द चैप्टर्स वेरी, क्योंकि खुद से जब पढ़ते हो तब क्या होता है कि एक चीज़ को मिनिमम 3-4 times पढ़ना पड़ता है समझने के लिए. सो CT7 में देवर 20 chapters, अभी CB2 में 23 chapters हैं, ठीक है. तो 20 जो चैप्टर्स थे मैंने मिनिमम ऑफ 4-5 times सारे चैप्टर्स को रीड किया, ठीक है. इनिशियली इंट्रोडक्शन होता है, फिर माइक्रो, फिर मैक्रो. तो मैक्रो पोर्शन जो है वो थोड़ा हैवी होता है समझने में, ठीक है. सो इट टुक मी मोर टाइम टू डू मैक्रो. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे मैंने 70% ऑफ टाइम उसको दिया, 60-70%, बाकी टाइम बाकी सारे टॉपिक्स को दिया, ठीक है. तो वैसे करके फिर पास्ट पेपर्स अच्छे से सॉल्व किया मैंने, लाइक पास्ट 10 terms के पेपर मैंने सॉल्व किए, क्वेश्चन आंसर बैंक किया, एक सीरीज किया. तो उसके बाद जो भी रिविजन नोट्स नहीं किया था मैंने, एक ही बात है, वो पास्ट पेपर्स मैंने सॉल्व कर लिया. तो वैसे करके जब एग्ज़ाम में यू सिट, सी ईजी पेपर में रैंक लाना इज़ डिफ़िकल्ट. वाई? बिकॉज एवरी वन इज़ कम्पीटिंग विथ यू. एक एक मार्क का फ़र्क पड़ता है. डिफ़िकल्ट पेपर्स में क्या होता है कि आधे लोग तो पास ही नहीं होते. अगर इंडिया से देखा जाए तो 5-6% का तो रिजल्ट पासिंग परसेंटेज ही होता है. तो आधे लोग तो पास ही नहीं होते. जिन लोग पास होते हैं उन लोग क्रीम स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनमें से फिर ऐसी कॉम्पिटिशन उतना नहीं रहता. तो ये बात है. एंड कुछ नहीं है, इट इज़ ईजी. बट क्या है, काफ़ी चेंजेस हुए CT7 एंड CB2 में. लाइक व्हाट आई सेड, 20 चैप्टर्स है, यहाँ पे 23 चैप्टर्स है. सो तुम लोगों को लग रहा होगा सुन के कि खाली 3 चैप्टर्स इंक्रीज हुए, पर ऐसा है नहीं. 3 चैप्टर्स सिर्फ इंक्रीज हुए एंड साथ ही साथ जो हर एक चैप्टर है उसमें भी काफ़ी चेंजेस हुए. तो इतने डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, जैसे जैसे कि चैप्टर करेंगे वैसे वैसे समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चेंजेस है एंड क्या क्या पढ़ना है. पहले क्या होता था, CT7 जो हमारा था वो तुम लोग सिर्फ मटेरियल गो थ्रू कर लोगे, तुम लोग का यू आर डन विद दैट, यू आर डन विद CT7. अभी क्या हुआ है, CB2 में जस्ट गोइंग थ्रू द मटेरियल विल नॉट बी हेल्पफुल. मटेरियल अगर तुम लोग खोलो तो वहीं पे लिखा है कि यू हैव टू रेफर अनदर को रीडिंग. तो सिर्फ जो मटेरियल है दैट इज़ नॉट कम्प्लीट, और 2-3 books एक्स्ट्रा हमें रेफर करना पड़ेगा टू कम्प्लीट द सिलेबस, वैसा चीज़ है. तो ऑब्वियसली अभी 2-3 तुम लोग कितना रेफर करोगे. तो मैंने भी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है. आई हैव कम्प्लीटेड लॉट ऑफ चैप्टर्स, हैंड रिटन नोट्स है. तो तुम लोग कुछ नहीं करना होगा, तुम लोग को जस्ट ही मटेरियल एंड मेरा नोट्स सिर्फ वो गो थ्रू करोगे, आराम से यू विल बी डन विथ CB2. तो काफ़ी चेंजेस है जैसे कि मैंने बोला, उतना डीप में नहीं जाएंगे अभी. जैसे जैसे चैप्टर्स करेंगे वैसे वैसे डिस्कस करेंगे क्या है. सिर्फ मेरा नोट्स फॉलो करना है एंड ये जो CB2 का तुम लोग को मटेरियल है ये फॉलो करना है, फिर हम लोग टुवर्ड्स दी एंड पास पेपर्स क्वेश्चंस काफ़ी सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो बेसिक एक बार स्ट्रक्चर में आते हैं हम लोग, एक बार बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाओ पेपर का क्या है. जैसे ये देख लो, ये मेरा नोट्स है, बहुत कलरफुल नोट्स मैंने ट्राई करूँ कि बनाने का, ताकि तुम लोग को पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है. तो ऐसा कलरफुल नोट्स ही मिलेगा तुम लोग को पूरा, ठीक है. वो देख लेंगे हम लोग धीरे धीरे. तो स्टार्ट करते हैं. सी, 3 parts में डिवाइडेड है पेपर. पहला पार्ट इज, क्लियरली दिख रहा है ना तुम लोग को, ये मार्केट एंड मार्केट स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ
फर्स्ट टू टू नाइन चैप्टर्स, ठीक है. बेसिक मार्केट, मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या हो गए, तुम लोग ने सुना होगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, तो ऐसे सारे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, तो ये सारे आ गए इसमें. डिमांड सप्लाई के बारे में, इक्विलिब्रियम प्राइस, कुछ कुछ ये सब तुम सुना होगा, क्लास 12 में इकोनॉमिक्स किया है. तो जैसे अभी मेरे से पूछ रही थी कि काफ़ी कुछ 12 से रिलेटेड है, हाँ है, बट देन सिर्फ 12 पे नहीं है, और भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा है. 12 में अगर बेसिक्स किया है तो उस पर काफ़ी इलेबोरेट वे से CB2 में कवर्ड है. CT7 का हाँ बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग का बहुत पोर्शन क्लास 12 का था, टुवर्ड्स दी एंड 4-5 चैप्टर्स डिफरेंट थे, पर यहाँ पे काफ़ी कुछ अलग है ऐसे जो हम लोग क्लास 12 में नहीं पढ़े, अगर क्लास 12 में इको था, ठीक है. तो फर्स्ट 9 चैप्टर्स ये हो गए. देन इज़ द मार्केट फेलियर एंड मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. मार्केट फेलियर मतलब कि अगर इक्विलिब्रियम नहीं अचीव हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इक्विलिब्रियम आउटपुट नहीं अचीव हो रहा है, धीरे धीरे सब समझ आएगा तुम लोग को ये सब वर्ड्स. तो गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करते हैं, क्या इन्वायरमेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिस्कल पॉलिसीज़ के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे. फिर आ गया मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज डेवलप्ड ओवर टाइम, जैसे कि क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, ये सब हो गए, हाँ, केंशियन. तो ये सारे जो हैं सब पहले जो CT7 में बिल्कुल किसी का रेफरेंस नहीं था, सिर्फ केंशियन मॉडल था, अभी सबका रेफरेंस यहाँ पे है. तो काफ़ी कुछ डिटेल्ड में CB2 हो गया. पहले CT7 अगर बोल सकते हो छोटा सा था जो कर सकते थे तुम लोग 1 मंथ में या 3 वीक्स में, यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो सकते. यहाँ पे इट इज़ लाइक 3 टाइम्स ऑफ CT7 बोल सकते हो ऐसा, ठीक है. तो ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है चैप्टर्स का, ठीक है. पेपर पैटर्न देख लो कैसा आएगा. बहुत ईजी होता है ये स्कोर करना MCQs. ईजी क्यों होता है, अगर पढ़ा हुआ है तो, बिकॉज ऐसा बहुत बार 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 26 MCQs आएंगे, मतलब 26 क्वेश्चंस ऑफ 1.5 मार्क्स ईच. कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ MCQ 4 ऑप्शंस है, सिर्फ ऑप्शन का नाम लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना होता है. अगर ऑप्शन करेक्ट है तो विल गेट 1 पॉइंट. नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, पूरा 3 आवर्स 15 मिनट्स का पूरा रिटर्न एग्जाम है. एंड अभी रीडिंग टाइम भी हट गया है, तो रीडिंग टाइम नहीं मिलता है. सो प्रेफर क्या करना चाहिए कि फर्स्ट 10 मिनट्स या 15 मिनट्स रीडिंग को डिनोट करो, रीडिंग टाइम खुद से रीड करो. उन लोग बोलते यू कैन स्टार्ट राइटिंग, बट देन फर्स्ट 15 मिनट्स ट्राई करो कि रीड करे पेपर, देख लो कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और भी कैसे करते हैं पेपर पैटर्न. तो ये बेसिकली 3 या 15 मिनट्स का रिटर्न थ्योरी पेपर है पूरा कंप्लीट, कोई एप्लीकेशन एक्सेल आर ये सब का नहीं है यहाँ पे. सो 26 MCQs ऑफ 1.5 मार्क्स ईच, ऑप्शन सही है यू विल गेट 1.5, ठीक है. 39 मार्क्स का ये हो गया. उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 to 6 मार्क्स ईच, 41 हो गया. 2 लॉन्ग क्वेश्चंस 20 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है. थ्योरी काफ़ी है तो लिखना काफ़ी पड़ेगा ऑब्वियसली. लिखने का हैबिट अगर छूट गया तो वो थोड़ा एक बार डेवलप कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी लिखना पड़ता है, ठीक है. ऐसा नहीं कि बहुत 10 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें काफ़ी कुछ लिखना पड़ेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन होगा उसमें भी पार्ट्स होंगे, ठीक है. एंड MCQs का क्या है कि ऐसा लगेगा कि अगर 4 ऑप्शंस है तो 2 ऑप्शन में तो दोनों सही है, ये तो हमेशा ही लगता है. सो विथ टाइम जैसे जैसे जितना अच्छे से पढ़ रहे हो जो सब्जेक्ट को, बेसिक क्या है ना, MCQs विल चेक योर कॉन्सेप्ट. अगर कॉन्सेप्ट अप टू द मार्क है तो यू विल स्कोर इन द MCQ. सबसे स्कोरिंग पोर्शन इज द MCQ पोर्शन. बस ये है कि यू विल हैव टू बी श्योर अबाउट द आंसर एंड कॉन्सेप्ट एकदम 100% होना चाहिए. ये है बेसिक पेपर पैटर्न है. एंड एक बार ये देख लो बस, जैसे कि अगर हम लोग देखें नॉलेज 3 वे में डिवाइडेड होगा पेपर तुम लोग का. नॉलेज बेस्ड अगर देखें, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस एज इन डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है. तो ये हो गया 40% नॉलेज बेस्ड. फिर हो गया अगर तुम लोग ने सुना है एप्लीकेशन बेस्ड. एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कि सपोज कोई कॉन्सेप्ट है उसी पे एक एग्जांपल दे दिया इन्होंने, तो वैसे करके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी एप्लीकेशन बेस्ड. तो ये हो गया 45% एंड हॉट हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस विच कंसिस्ट ऑफ 15%, ठीक है. तो ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन, इसमें स्कोर करना थोड़ा ट्रिकी है. वाई अगेन, नॉलेज बेस्ड क्या है, दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, पर उसको अप्लाई कैसे करते हैं. हाई ऑर्डर थिंकिंग मतलब अपना खुद का फिर एप्लीकेशन और लगाना पड़ेगा, ठीक है. तो सारा बेसिक डेवलप हो जाएगा.
पेपर इज डिवाइडेड इनटू स्टार्टिंग में इकोनॉमिक मॉडल्स एंड रीसेंट हिस्टोरिकल एप्लीकेशंस. ये जो इकोनॉमिक मॉडल्स है ये पहले नहीं थे CD7 में, जो मैंने बोला क्लासिकल केन्शन ये सारे. इसका 10% वेटेज है. माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो बोथ 45% ईच. ये बेसिक एकदम पेपर पैटर्न था CB2 का. कुछ ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है कि बहुत वैसा है, बट ये है कि हाँ कॉन्सेप्ट्स और पढ़ने में मज़ा आना चाहिए इकोनॉमिक्स, तो आराम से हम लोग का हो जाएगा. ठीक है, अब एक बार बेसिक ओवरव्यू लेते हैं सब्जेक्ट का, फिर हम लोग चैप्टर्स में आएंगे. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? कुछ भी मन में जो भी आ रहा हो. प्रॉफिट, इनकम, कॉस्ट, प्रोडक्शन. ठीक है, और बिजनेस एकदम लेमैन लैंग्वेज में, एकदम लेमैन कुछ नहीं आता, बस बोल रहे हैं बिजनेस, क्या सोचोगे? हाँ, ट्रेड. व्हाट इज ट्रेडिंग? ठीक है, सो बेसिक एकदम लेमैन की लैंग्वेज में, यू आर बाइंग गुड्स फ्रॉम समवेयर, यू आर सेलिंग इट टू द अनदर मार्केट. एक मार्केट से गुड्स खरीद के दूसरे मार्केट में बेच रहे हो. दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिंग. ठीक है, वाई यू आर डूइंग दिस? फॉर प्रॉफिट. ठीक है, एक जगह से खरीद के दूसरी जगह, सो दिस इज बिजनेस. टू अर्न प्रॉफिट आप लोग ट्रेड कर रहे हो. ठीक है, बिजनेस कैन बी नाउ क्लासिफाइड इन टू मैनी अदर थिंग्स. सपोज सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करे, दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस. वाई? सर्विस प्रोवाइड करके ही इज अर्निंग समथिंग. ठीक है, तो बिजनेस हुआ. तो इसमें क्या हुआ? ट्रेड, प्रॉफिट, दीज आर द मेन टर्म्स. नाउ वॉट इज इकोनॉमिक्स? एकदम ओवरव्यू. इकोनॉमिक्स अगर वर्ड सुन, अगर तुम लोग ने ये पढ़ा होगा कहीं, इट इज डराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. बोलो, सही बोल रहे हो? डराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, बोलो बोलो, तुम सही बोल रहे हो? इको नहीं, ओ इकोनोमिया. ठीक है, ये याद करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये मैंने भी नेट से सर्च किया. ठीक है, तो दिस इज द ग्रीक वर्ड. इसका मीनिंग इज हाउस होल्ड मैनेजमेंट. Household management, and this word was derived or was given by Aristotle. ठीक है, तो household management, इसको हम लोग link कर रहे हैं business से. ठीक है, तो household management क्या हो गया? एक household, एक छोटा सा unit को कैसे, household is a small unit, एक household, वो small unit को कैसे manage करते हैं. ऑन अ वास्ट स्केल अगर देखो, सारे हाउस होल्ड्स को कंबाइन करो, तो एक पूरा इकोनॉमी, एक पूरा कंट्री का इकोनॉमी बन जाएगा. ठीक है, तो बेसिक एकदम हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या होता है, एकदम बेसिक से बताना. व्हाट इज हाउस होल्ड मैनेजमेंट? मम्मी को ले लो, ठीक है, एनीवन, किसी को भी, फैमिली, खुद, अगर खुद इफ़ यू आर मैनेजिंग योर हाउस, तो क्या है यू, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, क्या प्रोडक्शन होगा, क्या मंगाने, कुछ वेस्टेज ना हो, और आगे उसके पहले क्या होता है, मंगाने के पहले क्या चाहिए, सबसे मेन मेन चीज़ क्या चाहिए हमें, बजट. सबसे पहला चीज़ होता है, हम लोग बजट बनाते हैं कि इस इनकम मेरा 50,000 है अगर मंथली, तो मेरा बजट हम लोग रखेंगे एक्सपेंसेस का, लेट्स से सपोज 25 to 30,000, बाकी सेव करना है मुझे, अगर स्टार्ट हम लोग अजम्पशन से करें. तो मेन थिंग इज योर बजट. दिस इज योर रिसोर्स. ठीक है, दिस इज योर रिसोर्स. रिसोर्स मतलब कि इतना मेरे पास मनी है, इसको अब मुझे यूटिलाइज करना है बाकी सब कुछ मैनेज करने के लिए. ठीक है, सो दिस इज योर रिसोर्स. देन जो तुम लोग बोल रहे थे चॉइसेस, चॉइसेस क्या हो गए, ऑल्टरनेटिव, कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है. एक हो गया फूड, सबसे मेन प्रायोरिटी एक हाउस होल्ड के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, क्लोथिंग, क्लीनिंग एंड मैनी अदर्स थिंग्स. ठीक है, तो इतने सारे चीज़ ख़त्म नहीं हो रहे, लिस्ट इज़ एवर एंडिंग. ठीक है, तो क्या है तुम्हारा, फूड से स्टार्ट किए, इलेक्ट्रिसिटी है, क्लीनिंग है. अगर हम लोग को अभी लग रहा है कि नहीं ख़त्म हो गया, पर थोड़ा बजट और अगर बच गया, तो हम लोग को और 100 ऑप्शंस मिल जाएंगे वहाँ पे खर्च करने के लिए. सो ऑप्शंस आर अनलिमिटेड. दिस इज़ फिक्स्ड, दिस इज़ फिक्स्ड, दिस रिमेन्स फिक्स्ड, पर ऑप्शंस, चॉइसेस बहुत सारे हैं इस हमें खर्च करने के लिए. दो चीज़ है, दो वर्ड्स है बेसिकली, एक है डिज़ायर, एक है वॉन्ट. वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? एकदम बेसिक, वापस बोलो. राइट, हाँ. सो डिज़ायर इज समथिंग लाइक, डिज़ायर हमें
विलिंगनेस बोल सकते हैं. इट इज़ अ विलिंगनेस टू बाय समथिंग. दिस इज विलिंगनेस टू बाय समथिंग. वॉन्ट इज विलिंगनेस टू बाय समथिंग बैक्ड बाय अ परचेजिंग पावर. मतलब यू आर एबल टू बाय समथिंग. नाउ योर बजट इज 25,000 मंथली. ठीक है, अगर ले कि पूरे घर को चलाने 25,000 में, पर हमारे हमारा डिज़ायर है कि नहीं हम 3-4 मेड्स हायर कर लेते हैं, हम एकदम ट्रैवलिंग हम हमेशा कैब से ही करेंगे, लेट्स से सपोज कुछ भी. तो ये सारे ऑप्शन, अब ये डिज़ायर है हमारा, ऑब्वियसली हमारा परचेजिंग पावर बहुत कम है, तो ये डिज़ायर है. वॉन्ट्स क्या हो गया, वेन यू आर बैक्ड विद द परचेजिंग पावर. ठीक है, तो सारे वर्ड्स को और अच्छे से हम लोग समझेंगे. ठीक है, दिस इज़ द बेसिक. अब हम लोग क्या देखें यहाँ पे, क्या समझ में आया, बजट इज़ लिमिटेड, चॉइसेस आर अनलिमिटेड, नेवर एंडिंग, ह्यूमंस आर नेवर सेटिस्फाइड, राइट. तो चॉइसेस अनलिमिटेड है, तो क्या इससे एक वर्ड क्या आ गया, कौन सा वर्ड हम लोग इससे निकाल सकते हैं, स्केयरसिटी. स्केयरसिटी, ठीक है, स्केयरसिटी क्या हो गया, दिस इज़ द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. कोई भी इकोनॉमिस्ट अगर स्टार्ट करते हैं वो इसी वर्ड से स्टार्ट करते हैं, स्केयरसिटी. स्केयरसिटी हर जगह है, दिस इज़ द मेन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ये दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑन विच एवरी मॉडल इज बिल्ट. अगर स्केयरसिटी है तभी तो आगे बढ़ने का ज़रूरत है. स्केयरसिटी नहीं होगा तो कोई फिर कितने भी वॉन्ट्स हैं सारे तो फुलफिल होते जा रहे हैं, जितने भी डिज़ायर्स हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द मेन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एनी कंट्री एनी वेयर, US, बी एट US और बी एट इंडिया, एनी कंट्री. ठीक है, स्केयरसिटी इज़ अ प्रॉब्लम. स्केयरसिटी कब आते हैं, ह्यूमन वॉन्ट्स आर लेस, ह्यूमन वॉन्ट्स आर मोर, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. दिस इज लिमिटेड, दिस इज अनलिमिटेड. ठीक है, चॉइसेस आर अनलिमिटेड. सो हम लोग कौन से वर्ड में है, स्केयरसिटी में है. ठीक है, अब स्केयरसिटी ये तुम लोगों को समझ में आया. नेक्स्ट देखो, चॉइसेस में हम लोग क्या बोल रहे थे, फूड है, फूड में भी बहुत सारे चॉइसेस हैं. कहाँ से ग्रेन्स खरीदे, एक लोकल स्टोर से जाके खरीदे कि प्रॉपर ब्रांडेड, क्योंकि आजकल क्या होते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड ग्रेन्स भी आते हैं. तो अनब्रांडेड खरीदे जिसका कोई ब्रांड नहीं है, ब्रांड नेम नहीं है, या फिर प्रॉपर ब्रांड से जाके हम लोग प्रॉपर शॉप से जाके मॉल से जाके हम लोग अपना शॉपिंग करें. तो ये क्या हो गया, चॉइस हो गया. ठीक है, चॉइस बिटवीन, अब इसके अंदर भी चॉइसेस आ सकते हैं, कौन से लोकल स्टोर से खरीदो, कौन से मॉल से जाके खरीदो. सो द चॉइसेस आर अनलिमिटेड. ठीक है, तो कौन से जगह से कितना परचेज, क्या परचेज करना है. सो दिस इज योर व्हाट, कंजम्पशन. कंजम्पशन, कंजम्पशन इज व्हाट, व्हेन यू आर परचेजिंग समथिंग टू सेटिस्फाई योर डिजायर्स, टू सेटिस्फाई योर सेटिस्फैक्शन. ठीक है, सो दिस इज योर कंजम्पशन. कंजम्पशन के बाद कंजम्पशन कहाँ से आते हैं, तुम लोग जाके जो कंज्यूम कर रहे हो वो चीज़ मार्केट में कहाँ से आ रहा है, प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन से आ रहा है. प्रोडक्शन इज़ व्हाट, प्रोडक्शन इज कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट. ठीक है, दिस इज़ बेसिक फॉर प्रॉफिट. अगर लगा दोगे तो वही हो गया, बिजनेस आ गया. ठीक है, एक फार्मर क्या करते हैं, सारे रॉ मटेरियल, सीड्स, फर्टिलाइजर्स को लेके ग्रेन बना रहे हैं. सो कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट इज प्रोडक्शन एंड देन यू आर गोइंग टू द मार्केट, दैट इज कंजम्पशन. ठीक है, तो ये प्रोडक्शन हो गया. दीज आर द बेसिक वर्ड्स वी आर गोइंग. अगर पहले तुम लोग अगर पढ़े होगे क्लास 12 में, दे आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वॉट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, बट वॉट इज इट, वॉट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में हेल्प होते हैं, जिसकी वजह से प्रोड्यूस कर पा रहे हम लोग आउटपुट. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिया है. एक लिया इन्होंने लैंड, रॉ मटेरियल्स, लैंड रिसोर्सेज, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज. देन हो गया ह्यूमन या फिर लेबर. लेबर इज द ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हो गए, दो हो गए, मेंटल फिजिकल दोनों. ठीक है, मेंटली अगर कोई बैठ के लैपटॉप पे वर्क करे, कोई फिजिकली रिक्शा टान रहे, बोथ इज लेबर. ठीक है, बोथ इज एडिंग टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट क्या होता है, कैपिटल. कैपिटल इज व्हाट, नहीं, हाँ, एसेट्स, मशीनरी. सो इसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड रिसोर्स. मैन्युफैक्चर्ड रिसोर्स वाई, बिकॉज दीज आर प्रोड्यूस्ड
समवेयर एंड देन यू आर यूजिंग इट इन योर प्रोडक्शन. मशीनरी भी तो कहीं प्रोड्यूस हुआ है ना, उसको आप लोग यूज़ करो टू प्रोड्यूस समथिंग. सो दिस इज कैपिटल. कैपिटल इज मैन्युफैक्चर्ड रिसोर्स. लैंड इज नेचुरल रिसोर्स. लेबर हो गया ह्यूमन एंड कैपिटल हो गया. तो एंटरप्रेन्योरशिप जो हम लोग पढ़े थे दैट इज नॉट हियर. यहाँ पे इंक्लूड नहीं करे एक्सक्लूसिवली. अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्वेश्चन में है तो ये तीनों मैंशन करने हैं. ठीक है, तो दीज आर द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स. कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, एकदम ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग. नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, सो दिस इज वॉट दिस वी आर डीलिंग इन द माइक्रो लेवल. वॉट इज माइक्रो? इंडिविजुअल यूनिट्स, अ फर्म, एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड. इन लोग क्या डिसीजंस लेते हैं? डिसीजंस क्या हो गए? कहाँ इन्वेस्ट, वॉट टू परचेज. ठीक है, वॉट टू परचेज, या फिर एक फर्म के हिसाब से देखो कि वॉट टू प्रोड्यूस. ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन. देन हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कि क्या लेबर इंटेंसिव रखूँ? लेबर इंटेंसिव मतलब कि लेबर्स को हायर करूँ, या फिर कैपिटल इंटेंसिव मतलब कि मशीन्स को हायर करूँ. दिस इज हाउ टू प्रोड्यूस. देन फॉर होम टू प्रोड्यूस. फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब कि फॉर होम टू प्रोड्यूस अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटपुट. जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कैसे सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा? एक रिक्शा वाले का वेज क्या होगा, एक डॉक्टर का वेज क्या होगा, डिफरेंस है. तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मेरा फाइनल आउटपुट? दैट इज द फॉर होम, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन. मेन दीज थ्री मेन क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, मैक्रो लेवल पे आओ. मैक्रो लेवल इज वॉट? वेन यू डू द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. पूरा अगर कंबाइन कर दे सारे इंडिविजुअल यूनिट्स को तो हम लोग क्या अटेन करेंगे? एक मैक्रो लेवल. सबके डिमांड्स को ऐड कर दोगे तो एग्रीगेट डिमांड मिलेगा. सबके सप्लाई को ऐड कर दोगे सारे फर्म्स के तो एग्रीगेट सप्लाई मिलेगा. उसमें डील करना मतलब वी आर डीलिंग एट द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल. सो बेसिकली मैक्रो डील्स विद एग्रीगेट्स एंड माइक्रो डील्स विद द यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स एंड द इंटरैक्शन बिटवीन द यूनिट्स. इंटरैक्शन क्या डिटरमाइन करेगा? सपोज एक फर्म है और एक हाउस होल्ड है, उनका इंटरैक्शन क्या डिटरमाइन करेगा? प्रोडक्शन पैटर्न डिटरमाइन करेगा. प्रोडक्शन पैटर्न मतलब अगर सडनली एक ट्रेंड आया कि जीन्स जी सपोज डेनिम्स है, जीन्स है, उसके बदले सडनली आया नहीं न्यू एक पैंट्स आ गए सपोज कोई भी मार्केट में, तो उसका ट्रेंड, उसका डिमांड बढ़ गया. तो अब क्या करेंगे फर्म्स? वो प्रोड्यूस करेंगे. सो देयर इज एन इंटरैक्शन बिटवीन द टू विच इज डिटरमाइनिंग द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन. ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन. वॉट इज डिस्ट्रीब्यूशन नाउ? कि कैसे आउटपुट ऑफ फर्म इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इन दोनों का इंटरेक्शन इन द माइक्रो लेवल डिटरमाइंस वॉट विल बी द प्रोडक्शन एंड वॉट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न. ठीक है, ये एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम लोग पढ़ेंगे. माइक्रो मैक्रो हर एक को डिटेल्स में पढ़ेंगे. दीज वर द बेसिक वर्ड्स जो हम लोग को देखना था. आगे आगे धीरे हम लोग और इसको बिल्ट ऑन करेंगे. ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि क्या हो रहा है, बिजनेस और इकोनॉमिक्स कैसे रिलेटेड है. बिजनेस हम लोग क्या बोले कि ट्रेड, क्या कहीं से परचेज करो फिर कहीं और उसे हम लोग सेल कर रहे हैं. नाउ अगर हम लोग देखो CB1 पेपर का नाम इज़ बिजनेस फिनेंस, CB2 इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स. तो बिजनेस को फिनेंस से भी रिलेट करें, बिजनेस को इकोनॉमिक्स से भी रिलेट करें, क्या डिफरेंस होगा? एनी आइडिया? फिनेंस से रिलेटेड क्या हो गया कि जो वो मनी बोली, सो उसमें क्या देखते हैं कि बिजनेस फिनेंस में क्या देखते हो? कहाँ से मनी रेज करें कि हम लोग कैपिटल खरीद पाए. यहाँ पे देखते हैं कि कैपिटल कहाँ, कैसे हम लोग अपने रिसोर्सेज जो मनी है उसको कहाँ कहाँ एलोकेट करें, कौन कौन से मशीनरी हम लोग खरीदें. सो इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू मनी. येस, मनी इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, बट इकोनॉमिक्स इज मच मच मोर देन मनी. सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं है, और भी काफ़ी कुछ है इकोनॉमिक्स में. हाँ, मनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बट सिर्फ मनी नहीं है. ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स फिर यही हो गया कि एक अगर फर्म, अगर एक शॉपकीपर कहीं से सामान ला के बेच रहे तो वो सामान वो कहाँ से खरीदेगा, क्या चॉइस होगा उसका, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करेगा. कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस मतलब कि एकदम छोटा सा एग्जाम्पल कुछ भी बोल दो. सपोज कॉस्ट एंड एक हमारी डेली लाइफ के हिसाब से सपोज पुचका खाने निकले. ठीक है, एकदम बेसिक. हाँ, नहीं नहीं वो इतने डीप में नहीं जाना. सपोज कि कॉस्ट क्या हो गया कि एक फर्म, एक शॉपकीपर के हिसाब से समझो, एक शॉपकीपर है, उसके लिए दो तीन चार ऑप्शंस है
अपना गुड्स परचेज करने के लिए, वो देखेगा एक, हाँ तो एक जगह जहाँ पे उसे एक पर्टिकुलर सपोज 10 रुपीज़ में मिल रहा है, दूसरी जगह उसे 8 रुपीज़ में मिल रहा है, पर वो 8 रुपीज़ के लिए उसे थोड़ा दूर ट्रैवल करना पड़े. सो यहाँ पे उसका बेनिफिट इज सेविंग ऑफ 2 रुपीज़, कॉस्ट इज व्हाट, ट्रैवलिंग टाइम कंजम्पशन उसका ज़्यादा हो रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो रहा है, सो दिस इज द कॉस्ट एंड बेनिफिट इज व्हाट, कि उसका 2 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है. तो ये दो चीज़ वो एनालाइज करेगा कि कहाँ से ले, उस हिसाब से ही विल परचेज. देन वो सेल कहाँ करे, अब सेल करने के लिए भी सेम ऑप्शन है, 2-3 मार्केट्स है उसके पास, कौन से मार्केट में जाए जहाँ पे उसका सेल्स मैक्सिमाइज हो या प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, बोथ आर 2 डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो या प्रॉफिट उसे मैक्सिमाइज करना है, तो वो सारे ऑप्शंस कंसिडर करके ही विल डिसाइड इनपुट कहाँ से लेना है एंड आउटपुट कहाँ बेचना है. दिस इज बिजनेस इकोनॉमिक्स. ठीक है, एकदम शॉर्ट में. तो धीरे धीरे आगे चैप्टर्स करेंगे. दिस वॉज जस्ट द ओवरव्यू ऑफ CB2 क्या है. CB2 ऑब्वियसली CD7 से काफ़ी वास्ट है. CD7 अगर सिर्फ मटेरियल गो थ्रू कर रहे हो दैट्स इनफ, बट CB2 में अगर हम लोग मटेरियल पेजेस टर्न करो कुछ है नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल्स है और सिर्फ क्वेश्चंस है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कुछ लिखा हुआ नहीं है, सब कुछ है कि रेफर टू दिस पर्टिकुलर बुक, रेफर टू दैट पर्टिकुलर बुक. तुम लोग को इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, आई हैव मेड द नोट्स फॉर यू ऑल. तुम लोग खाली मेरे नोट्स को रेफर करना है एंड एग्जाम्पल्स, हम लोग एकदम बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बनाए, तो ये सिर्फ नोट्स काफ़ी है तुम लोग के लिए. ठीक है, एंड मटीरियल ऑब्वियसली एंड बहुत सारे क्वेश्चन वील सॉल्व इन द क्लास. ठीक है.